आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, क्वेश्चन सेज एज शोन इन द फिगर, अ सिलिंड्रिकल ग्लास कंटेन्स वाटर, अ मेटल स्फीयर ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर इज इमर्स्ड इन इट, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर। तो हमारे पास एक सिलिंड्रिकल ग्लास है, उसके अंदर वाटर है, हमने स्फीयर इमर्स्ड किया उसके अंदर जिसका डायमीटर था 2 सेंटीमीटर। हमने बताना है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना होगा। सो हमारे पास जो स्फीयर है जो हमने इमर्स्ड किया उसका हमारे पास जो डायमीटर है वो हमें गिवन है, वो है हमारे पास 2 सेंटीमीटर। तो हमारे पास रेडियस क्या आ गया, रेडियस होता है डायमीटर का हाफ। सो डायमीटर हमारा 2, इसका हमने हाफ कर दिया तो हमारे पास रेडियस आया 1 सेंटीमीटर। एंड दूसरा हमारे पास गिवन है जो वाटर है वो सिलेंड्रिकल शेप में है ग्लास के अंदर, तो दूसरी शेप हमारे पास होगी सिलेंड्रिकल। तो हमारे पास सिलेंड्रिकल का रेडियस क्या है, गिवन जितना जो ग्लास का रेडियस होगा उतना ही वाटर का रेडियस होगा, वो है हमारे पास 14 सेंटीमीटर। सो हमारे पास ये डायमीटर गिवन है 14, तो हमारे पास रेडियस क्या हो गया, डायमीटर का हाफ, तो हमारे पास रेडियस आ गया 7 सेंटीमीटर। एंड हमारे पास जो हाइट है वाटर की वो हमारे पास कितनी गिवन है, 30 सेंटीमीटर। सो हाइट होगी हमारे पास 30 सेंटीमीटर। हमने फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ वाटर। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर हम किस तरह फाइंड करेंगे, अगर हम सिलेंड्रिकल में से जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है वो हम लेस कर दें तो हमारे पास टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर आ जाएगा। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर माइनस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या है हमारे पास सिलेंड्रिकल शेप में, तो सिलेंडर का हमारे पास वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। एंड स्फीयर का हमारे पास वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। हम दोनों में जो पाई है वो कॉमन है तो पाई हमने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास वैल्यूज क्या बनी, आर स्क्वायर एच माइनस 4/3 आर क्यूब। सो पाई, रेडियस ऑफ वाटर हमारे पास क्या है 7, सो 7 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय हाइट क्या हमारे पास 30 माइनस 4/3 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास रेडियस ऑफ स्फीयर क्या है 1, सो 1 का क्यूब इज इक्वल टू पाई, 7 का स्क्वायर 49 मल्टीप्लाई बाय 30 माइनस 4/3, 1 का क्यूब हमारे पास आ गया 1, सो पाई ब्रैकेट 49 मल्टीप्लाई बाय 30 हमारे पास वैल्यू आ गई 1470 माइनस 4/3 इज इक्वल टू पाई, हमने एलसीएम ले लिया 3, हमारे पास वैल्यू आ गई 1470 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू पाई, 1470 मल्टीप्लाई बाय 3 हमारे पास वैल्यू आ गई 4410 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू पाई ब्रैकेट 4410 माइनस 4 हमारे पास वैल्यू आ गई 4406 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू पाई मल्टीप्लाई बाय 4406 डिवाइडेड बाय 3 हमारे पास वैल्यू आ गई 1468.67 इज इक्वल टू 1468.67 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारे पास आ गया वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टर्म्स ऑफ पाई। अब हम पाई की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1468.67 मल्टीप्लाई बाय 22 डिवाइडेड बाय 7। सो हमारे पास वैल्यू आ गई, जब हमने इस वैल्यू को 22 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3231074। डेसिमल हम हटा देंगे तो हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यू आ जाएगी 100 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 3231074 डिवाइडेड बाय 700 इज इक्वल टू हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4615.8 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वाटर आ गया 4615.8 सेंटीमीटर क्यूब। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।